आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई बाढ़ आ गई। सुब्रमण्यम जयशंकर की बायोग्राफी लाओ सर। कमेंट बॉक्स हो चाहे मेरा इनबॉक्स हो इंस्टा फेसबुक, बहुत मैसेजेज आए। लो भाई ले आया अब एस जयशंकर की बायोग्राफी। तो यार एस जयशंकर की मैं क्या ही बात करूँ। भारत के नायक हैं, भारत के हीरो हैं। इन्होंने भारत को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को उस लेवल पे जाके खड़ा कर दिया है कि अब भारत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। भारत की सबको ज़रूरत है। मैं बात करूंगा इनके शानदार करियर की। देखिए अक्सर हम प्राइम मिनिस्टर्स को श्रेय देते हैं, देना भी चाहिए, बट पीछे बहुत सारे दिमाग चलते हैं। मोदी सरकार के दो पावर सेंटर्स माने जाते हैं, एक तो अजीत डोवाल ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, और दूसरे हैं एस जयशंकर। आपको जान के हैरानी होगी, मोदी जी एस जयशंकर में बहुत मेहरबान रहते हैं। मैं बात करूंगा उसकी, क्यों ना हो भाई मेहरबान। जब अगर मेरी ही कंपनी में इतना काबिल एम्प्लॉय हो, इतना शानदार एम्प्लॉय हो, तो कोई भी मेहरबान होगा भाई। तो एस जयशंकर पे मोदी जी क्या, पूरा भारत, पूरी दुनिया मेहरबान है। एक और चीज़ बता दूँ कि एक बहुत अच्छा मुझे मैसेज आया था, सर एस जयशंकर हिंदी नहीं बोलते क्या? इंग्लिश से ज़्यादा अच्छी तो इनकी हिंदी है। अभी इन्होंने 9 दिन पहले ऑपरेशन गंगा के बारे में बताया था संसद में, इन्होंने ऑपरेशन गंगा के बारे में बताया था। तो आप जरा सुनिएगा, वो 11 मिनट का संबोधन था। बताया था कि कितना मुश्किल था ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में जो भारतीय स्टूडेंट फंसे थे उनको कितनी मुश्किल तरीके से निकाला जब सारे देशों ने मना कर दिया, और वो पूरा शुद्ध हिंदी में बताया। मजा आ गई, तो आप वो सुनिएगा जरूर। फिलहाल हम सुब्रमण्यम जयशंकर की बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा जो शानदार मोटिवेशन कोर्स है, ये सिर्फ 200 रुपए का हमने लॉन्च किया है। लाइव क्लासेस होंगी इसमें 20 से ज्यादा। 23 अप्रैल से लाइव क्लासेस शुरू होंगी। 3 फेज हैं। फेज 1 सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। फेज 2 डेवलपमेंट, एंड फेज 3 बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स मैं बताऊंगा, कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको बहुत मदद करने वाली है। तो अभी इसी वक्त इस कोर्स को अवेल करें। और यूपीएससी, तो हमारी शानदार लाइव क्लासेस चली रही है, तो यूपीएससी कोर्स को तो जरूर ले। तो अगर एस जयशंकर की बात करें तो इनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। इनका जन्म देखिए कहीं कहीं 15 जनवरी भी लिखा है, ठीक है 15 जनवरी 1955 1955 में तो हुआ था, लेकिन 9 जनवरी या 15 जनवरी ये थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। के सुब्रमण्यम इनके पिताजी का नाम है, कृष्ण सुब्रमण्यम, ठीक है। अब आपको बता दूं कि इनके पिताजी, मतलब ये एक हाई प्रोफाइल परिवार से आते हैं। इनके पिताजी भी सिविल सर्वेंट थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी की कारगिल कमेटी थी, और बहुत सारी कमेटीज का के सुब्रमण्यम हिस्सा रहे हैं, ठीक है। और इनकी जो माताजी, उनका नाम है सुलोचना सुब्रमण्यम। क्या आपको पता है कि इन्होंने शादी जो है वो एक जापानी मूल की महिला से की है? खैर उस पर भी हम आइए। तो इनका जन्म, वैसे तो इनका परिवार तमिलनाडु से आता है, ये तमिलनाडु से आता है, लेकिन क्योंकि इनके पिताजी सिविल सर्वेंट थे तो दिल्ली में ही रहे, ये भी दिल्ली में रहे, है ना। आमतौर पर तमिलियंस की, जो तमिल हैं उनकी जो हिंदी अच्छी होती है, बहुत अच्छी नहीं, लेकिन इनकी हिंदी बहुत शुद्ध है। खैर इनको हिंदी नहीं, इनको जर्मन, इंग्लिश, इनको सारी लैंग्वेजेज आती हैं। अब नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ। भाई दिल्ली का माहौल आपको पता ही है, तो वहां का जो बेस्ट कॉलेज था, पहले तो इन्होंने आर्मी स्कूल से पढ़ाई की, और उसके बाद इनका जो बेस्ट कॉलेज था, ठीक है, सॉरी एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल से पढ़ाई की, जो दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज, वहां से इन्होंने पढ़ाई की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से किया, फिर ये JNU गए। वैसे तो IIT में जाना चाहते थे, लेकिन ये बता रहे थे कि भाई मैं JNU चला गया क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत थी। अब उस समय इस तरीके का इंटरेस्ट नहीं होता जैसे आज होता है, फॉर्म लेके आना पड़ता था, भरना पड़ता था, पहले आपको फॉर्म लाना पड़ता था कॉलेज से। तो भाई एक तरफ था IIT दिल्ली, एक तरफ था JNU। तो उन्होंने कहा कि भाई JNU में ज़्यादा भीड़ थी, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये चले गए। वहाँ पर इन्होंने फॉर्म फिल किया, और फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने MA किया, MA इन पॉलिटिकल साइंस। भाई पॉलिटिकल साइंस एमए किया, JNU का माहौल आपको पता ही कितना शानदार है। उसके बाद वहां से इन्होंने MPhil और PhD किया, बट PhD और MPhil किया इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस से, ठीक है। और एकेडमिक करियर इनका बहुत ही जबरदस्त रहा है, बहुत शानदार स्कॉलर रहे हैं। घर में भी कुछ ऐसा माहौल था पढ़ने वाला कि मतलब पढ़ाई से और किताबों से इनका रिश्ता बहुत ही बढ़िया था। अब भाई देश के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में इनकी महारत हासिल है। 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस IFS में इनका सिलेक्शन हुआ। IFS में आए, इंडियन फॉरेन सर्विस में आई है, और उसके बाद ही नेवर लुक्ड बैक। पहली ही पोस्टिंग इनकी सोवियत में थी, ये सोवियत में, हाँ पहली पोस्टिंग थी। आपको बता दूं कि ये इनको, इनका 38 साल का करियर है, 38 साल 4 दशकों का एक्सपीरियंस है। मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं है, इतना इनको एक्सपीरियंस है। और ये पहले हैं जिनको सोवियत यानी कि रशिया का भी एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा, चाइना और अमेरिका,
इन तीनों देशों में ये रह के आ चुके हैं और बहुत ही क्लोजली इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है, इसीलिए ही इज द बेस्ट। आपको बता दूं कि सिर्फ मोदी सरकार नहीं, मनमोहन सिंह भी इनके कायल थे, और अगर होता तो उसी समय ये विदेश सचिव बना दिए गए होते, फॉरेन सेक्रेटरी या माइट बी पॉसिबल फॉरेन मिनिस्टर बना दिए गए होते, बट राजेश्वर और शिवशंकर मेनन पे थोड़ा सा ज्यादा मेहरबानी होगी, बट खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो फॉर्मर डिप्लोमैट फॉरेन सेक्रेटरी, अरे सॉरी, फॉर्मर डिप्लोमैट फॉरेन सेक्रेटरी रही है, तो इनकी जो पहली पोस्टिंग है, पहली पोस्टिंग इनकी सोवियत में हुई और उसके बाद इन्होंने ये हर जगह गए, ठीक है। फिर ये फर्स्ट सेक्रेटरी रहे अमेरिका में, अमेरिका में जाने के बाद देखिए भाई, अब आपका ट्रांसफर होता रहता है, आप जाते रहते हो, आप एक्सपीरियंस लेते रहते हो। अमेरिका के बाद ये गए श्रीलंका, आपको बता दूं कि श्रीलंका में ये विदेशी सलाहकार के रूप में गए थे, विदेशी सलाहकार, ठीक है। वहां पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी ना, IPKF, और ये वही दौर था जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा। इसी दौरान जब ये अमेरिका के फर्स्ट सेक्रेटरी थे, 1985 की बात है, कि तारापुर न्यूक्लियर सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। अमेरिका ने बोल दिया था कि भाई देखो, क्योंकि देखिए अगर आप न्यूक्लियर प्लांट के लिए भी आपको फ्यूल चाहिए ना, यूरेनियम चाहिए, तो उसमें भी आपको समय अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती थी। वो इन्होंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर रहे हैं, बात ये है। देन उसके बाद ये श्रीलंका गए, श्रीलंका में ये पोस्टेड रहे, मतलब विदेशी सलाहकार के रूप में। उसके बाद हमें देखते हैं कि ये इंडिया जापान, देखिए 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया, हम एक न्यूक्लियर पावर हो गए, पोखरण टेस्ट 1996 से लेकर 2000 तक जापान में भी थे। अब उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरी, योशिरो मोरी जापान के, वो उन्होंने जापान ने भारत को सपोर्ट किया था, क्योंकि पूरी दुनिया जो थी वो अगेंस्ट में चली गई थी। लेकिन शिंजो आबे भाई, उसी समय शिंजो आबे का उदय हो रहा था, और कहा जाता है कि शिंजो आबे को इंट्रोड्यूस भारत के लीडर से एस जयशंकर नहीं कराया था, है ना। और उसके बाद फिर जापान और भारत के रिश्ते शिंजो आबे के दौरान आपको पता है बहुत ही शानदार रहे, तो उसके पीछे भी एस जयशंकर का हाथ रहा है। देन उसके बाद 2001 से 2004 तक ये चेक रिपब्लिक गए, वहां पे इनकी पोस्टिंग हुई। थोड़ा सा डेट देख लेना है, एक्चुअली ना डेट्स मुझे वैसे तो याद ही हो जाती है, बट हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो दिल पे मत लेना, लेकिन ये सब जगह रहे हैं। देन उसके बाद फिर ये सिंगापुर रहे, देखिए चेक रिपब्लिक के बाद, चेक रिपब्लिक, अमेरिका, ये सब तो रहे, सिंगापुर में 2007 से 2009 तक रहे। अब हाई कमिश्नर रहे सिंगापुर में, तब कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट केका ये इन्होंने साइन किया, ट्रेड एग्रीमेंट सिंगापुर से साइन किया। इसी दौरान सिंगापुर में प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, चाहे जो इंडियन स्टूडेंट्स जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, या सिंगापुर का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो भारत आना, और ध्यान दीजिएगा उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये सब बहुत हुआ, मतलब समझिए कि इन्होंने कमाल कर दिया इस चीज में, ठीक है। उसके बाद भाई 2009 के बाद समझिए कि ये आए चाइना में, ठीक है, और भाई चाइना में तो मतलब समझिए इन्होंने कमाली कर दिया। वैसे जयशंकर को ये सारी लैंग्वेज आती है, रशियन, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, क्योंकि हर जगह रहे हैं, जापानीज और हंगेरियन। एक और चीज बता दूं कि जब ये जापान में थे वहीं इनकी मुलाकात इनकी पत्नी से हुई, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी पत्नी जो है, वो अभी मैं दिखाऊंगा उनकी फोटो, वो जापानी है, जापान ओरिजिन की है, और बहुत ही खुशहाल परिवार है। तो अब उसके बाद चाइना गए। अच्छा, इसी दौरान एक और चीज हुई थी, ठीक है, न्यूक्लियर डील 123 एग्रीमेंट। आप समझिए कि जो भारत की हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील हुई थी अमेरिका के साथ, उसमें जयशंकर का बहुत बड़ा हाथ था, पूरा दिमाग जयशंकर का था, है ना। न्यूक्लियर डील पे बहुत बवाल भी हुआ था ना भाई, इसी पे ही तो भाई कांग्रेस थी 2007 में, ठीक है, और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, तो न्यूक्लियर डील आप अमेरिका से कर रहे हो, कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट खींच लिया था भाई, एक वोट से इनकी सरकार बच गई थी। अविश्वास प्रस्ताव आया था, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब का मैंने रिव्यू किया है, मनमोहन सिंह के समय हालत खराब हो गई थी, लेकिन ये जो हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील थी इसको पूरा करने का भी क्रेडिट मनमोहन सिंह और एस जयशंकर को जाता है। खैर वहां पे और भी ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन एस जयशंकर का पूरा दिमाग बहुत मतलब इसमें था, राइट। उसके बाद फिर ये चाइना का, अच्छा चाइना में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। चाइना में दिक्कत ये हुई थी कि चाइना क्या कर रहा था ना, कि चाइना वीजा, जैसे वीजा में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, चाइना मतलब उन लोगों को वीजा दे दे रहा था जो उनकी सरकार, मतलब उन लोगों को इनवाइट कर दे रही थी जो बहुत एंटी इंडिया थे। एस जयशंकर ने उसको रोक दिया ना,
अलगाववादियों को तो हम बिल्कुल आने नहीं देंगे। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ था ना कि चाइना उस समय कुछ इंडिया के पार्ट्स को अपना बता रहा था, ए जयशंकर ने उस पर भी पलटवार किया, भाई जिनको वीजा इशू किया जो चाइनीज भारत में आना चाह रहे थे भाई, उसमें भी यही था कि जो भारत जो हमारे हैं वो हमारी पार्ट रहेंगे, मतलब उसमें भी पलटवार किया, यानी कि चाइना में रह के उन्होंने जो भी ये इनडायरेक्ट हमला ये जो चाइना करता रहता है उसका डट के सामना किया और मुंह तोड़ जवाब दिया, ऐसा कुछ हिसाब किताब था। देन आपको बता दूं कि he was second and sixth ambassador who presented their credential to Obama, ठीक है, one by one in a traditional ceremony that marked the formal beginning of the ambassador। देखिए अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे करने का भी श्रेय जयशंकर को ही जाता है, और ये है इनकी बीवी, he is married to Kyoko, और ये है इनकी बीवी and who is of the Japanese origin, और इनके दो बेटे हैं ध्रुव और अर्जुन, तो आप ये देख सकते हैं। इनके भाई भी हैं संजय सुब्रमण्यम, वो भी काफी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनका मैं भूल गया एक्चुअली वो क्या था। तो अब इनका करियर की बात करें तो करियर तो मैं बता ही चुका हूं, 2004 से 2007 तक ही वाज़ द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका, और तभी न्यूक्लियर डील यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुई, देन उसके बाद ये सिंगापुर में रहे और उसके बाद ये चाइना में रहे, 2007 से लेकर 2009 तक ये सिंगापुर में रहे और 2009 के बाद ये चाइना में रहे। अब आप बोलेंगे सर इसमें मजा, देखिए भाई ये करियर है, ये एक आप समझिए कि फॉरेन सेक्रेटरी का करियर है, ये अंबेसडर का करियर, ये हाई कमिश्नर, ये उनका करियर जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है, तो डिप्लोमेटिक लेवल पे तो इन्होंने कमाल का काम किया। डिप्लोमेटिक लेवल पे तो भाई जो भी फॉरेन से रिलेटेड भाई उस समय, क्योंकि जब अमेरिका में रहे जब चाइना में रहे तो जो भी भारत बोलता था वो यही कन्वे करते थे आगे, और पूरी पॉलिसी बनाने का काम तो सरकार करती थी लेकिन उसको बाहर इंप्लीमेंट करने का काम ये करते थे, ठीक है। तो ये चीज है, लॉन्गेस्ट सर्विंग एंबेसडर रहे हैं चाइना, ठीक है, चाइना से इनको खासा प्रेम था। अब उसके बाद फिर देखिए जब ये ही वॉज अगेन इंडियाज एंबेसडर टू अमेरिका, 2013 में इनको अपॉइंट किया गया, 2013 से 2015 तक रहे, 2014 में जब मोदी सरकार आई, ठीक है, तो इनको विदेश सचिव बनाया गया। 2015 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट पोस्ट होती है। अब आप देखिए मोदी जी इन पे बहुत ज्यादा मेहरबान रहे हैं, ये बात सच है, क्योंकि इनका कार्यकाल इतना बढ़िया रहा था, मोदी जी किसी भी हाल में नहीं चाहते थे दूर चले जाएं। इनको 2000 इनका जो कार्यकाल था 2017 मतलब रिटायर, उनको दो बार एक्सटेंशन मिला है, ठीक है, इनको रिटायर होना था लेकिन दोनों बार जब भी रिटायर होना होता इनको एक्सटेंड कर देते मोदी जी कि नहीं नहीं भाई तुम अभी रिटायर नहीं होगी, एक साल का एक्सटेंशन, दो साल का एक्सटेंशन। फाइनली इनको 2018 में 2015 से लेकर तीन साल तक विदेश सचिव रहे, 2018 में इनको रिटायर होने पड़ा, भाई अब एक लिमिट होती है, इससे ज्यादा आप नहीं। अब हुआ क्या, एक कूलिंग पीरियड होता है, एक कूलिंग पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड मतलब वो होता है कि पहले दो साल का होता था कि आप क्या है ना कि जैसे आप विदेश सचिव हैं तो अब जब आप रिटायर होंगे तो अगले एक या दो साल, पहले तो दो साल तक था, अब ये एक साल का है, मोदी सरकार ने इसको एक साल का कर दिया कि एक साल तक आप विदेशी मामलों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एकदम कूलिंग पीरियड, आप दूर रहिए, ठीक है, और किसी संस्था को जान ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। अब यहां पे इनको टाटा सन से ऑफर आया, टाटा सन से ऑफर आया कि ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स को लीड करिए, तो लेकिन ये कूलिंग पीरियड में थे तो इन्होंने मोदी जी से गुहार लगाई कि आप कूलिंग पीरियड माफ कर दो, तो मोदी जी ने बोला बिल्कुल, तो इन्होंने मतलब मोदी जी ने उनको यह रियायत दे दी और कुछ समय के लिए ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो भाई देख लो, अगर आप यूपीएससी निकालते हो, अगर आप आईएएस बनते हो, आईएफएस बनते हो, तो आप मतलब समझ लो कि कमाली कर दोगे, ओके, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि असली चीज सेक्रेटरी ही करते हैं। फाइनली जब भाई सरकार से ये दूर रहे एक साल तक, 2019 में दोबारा मोदी सरकार आई, 2019 में, इससे पहले सुषमा स्वराज जो थी वो थी मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर। अब जब बात आई कि कौन बनेगा विदेश मंत्री, तो एस जयशंकर को चुना गया, एस जयशंकर को चुना गया, शपथ ली इन्होंने, इट वॉज अ ब्रिलियंट डिसीजन। और सुब्रमण्यम जयशंकर उस समय भाई देखिए ये इनके लिए भी थोड़ा बड़ा शौक था, लेकिन ये तो था कि मोदी जी इनके लिए कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन शौक था क्योंकि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, ये लोकसभा में चुन के नहीं आए थे, तो इनको राज्यसभा से चुन के भेजा गया। 6 महीने के अंदर अंदर आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, तो विदेश मंत्री चुने गए ये, और 2019 के बाद से ही never ever looked back, चाहे जितने भी, इनफैक्ट जो 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था यमन में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। इस दौरान कई ऐसे ऑपरेशन चलाए गए, सुषमा स्वराज थी लेकिन पीछे विदेश सचिव कौन थे, एस जयशंकर। तो जो भी इवैक्यूएशन था, जो भी ऑपरेशन हुआ, उसमें एस जयशंकर फोर फ्रंट पे थे। और अभी आप समझिए कि ऑपरेशन गंगा जब लॉन्च हुआ
जब अभी यूक्रेन में हमारे छात्र फंस गए थे, 90 से ज्यादा प्लेन भेजेगा और लगातार सारे देशों ने, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे चाइना हो, सबने मना कर दिया था अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए। उस समय से भारत ऐसा था जिसने अपने नागरिकों को वहां से बाहर निकाला, अपने ही नहीं बांग्लादेश के भी को भी लेके आए, कुछ चाइना के लोगों को भी लेके आए, सबको लेके आए, ये हुआ है, राइट। और उसके बाद फिर जो इनको विदेश नीति रही है, कमाल की रही है, इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया भाई। अभी जैसे 2+2 हुआ, 2+2 डायलॉग हुआ, तो 2+2 में वही कि जब अमेरिका ने बोला कि भैया देखो ह्यूमन राइट्स हम देख रहे हैं, जो सरकार करती है, जो पुलिस करते हैं, जो प्रेजेंस देख रहे हैं भारत, अमेरिका जो इसको मॉनिटर कर रहा है, तो इन्होंने पलटवार किया कि हाँ हाँ हम भी देख रहे हैं जो तुम भारतीयों पे ह्यूमन राइट्स लगा रहे हो, जो तुम जो ह्यूमन राइट्स का हनन कर रहे हो ना। अभी कल ही की बात है, इन्होंने बोला एक सिख मारा गया है, न्यूयॉर्क में एक सिख के ऊपर हमला हुआ है। तो इस तरीके की हरकत जो तुम करते हो ना, हम भी उसको देख रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, भाई यार लोगों को हमारे बारे में विचार रखने का अधिकार है, लेकिन हम भी समान रूप से उनके विचारों और हितों के बारे में विचार रखने का अधिकार है। तो वही बताया इन्होंने कि भाई हम हर यहां पे हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन अगर आपका ये व्यू है तो आपके व्यू पे हमारा ये व्यू है। तो इन्होंने ये पलटवार किया। और फिर भाई ये जो इन्होंने बयान दिया, मतलब ये तो मजा ही आ गई। जब बात आई कि भाई आप रशिया से एनर्जी क्यों खरीद रहे हो, इन्होंने साफ बोला कि भाई देखो हम जितनी खरीदारी एक महीने में करते हैं ना, यूरोप एक दोपहर में करता है। ये बोला कि आप, और ये भी बोला अभी अभी जब फरवरी में यूके के सेक्रेटरी जब लिज ट्रस्ट आए थे, तो उनके सामने बोला कि अभी तो आप देखिए तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, और हमको ये पूरा, क्योंकि रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पे तेल ऑफर किया, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो तेल के दाम तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप 3-4 महीने बाद देखोगे ना, लिस्ट निकालना, उस लिस्ट में जो सबसे बड़ा खरीदार मिलेगा ना, वो यूरोपी मिलेगा, टॉप 10 में यूरोप होगा, भारत उसमें कहीं नहीं होगा। चाइना को भी इन्होंने बहुत भिगो भिगो के मारा है। 2019 में अभी जो इंडो पैसिफिक समिट हुई थी पेरिस में, उन्होंने साफ बोल दिया था कि भाई ये जो चाइना है ना, ये खतरनाक रूप से आगे बढ़ रहा है, और यूक्रेन से बड़ा थ्रेट तो चाइना है पूरी दुनिया के लिए। तो इन्होंने सरकार को बहुत अच्छे से डिफेंड भी किया है, और फॉरेन पॉलिसी इनकी बहुत बढ़िया रही है, ठीक है। अफगानिस्तान ताकत के दम पर जीता गया, अफगानिस्तान भारत को कभी स्वीकार नहीं होगा, हम राजनीतिक बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं, अच्छी बात है। ये भी इन्होंने अफगानिस्तान के लिए बोला, अफगानिस्तान में भी जो भारतीय फंसे थे उनको निकाला, और अफगानियों को भी लेके आए, है ना, अफगानियों को भी भारत लेके आए। तो ये सब इनके कार्यकाल में हुआ, फिलहाल इनका कार्यकाल जारी है, और एस जयशंकर अपने जबरदस्त रिप्लाईज की वजह से जो रोस्ट करते हैं वो एकदम चालू है वो। तो फिलहाल ये लेक्चर था, खुश, ये इनकी शॉर्ट बायोग्राफी थी, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, आप जरूर मैं बोलूंगा कि आप देखिएगा। बट देखिए ये जितना मैंने सर्च किया, ठीक है, जितना मुझे मिला, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे इन्होंने बहुत बढ़िया इंटरव्यूज दिया था, तो आप वो जरूर देखिएगा, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फिलहाल हमारे कोर्स में जरूर एनरोल करिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।